मैं बंगाल में हूं कि खास पेशकश लेकर मैं माधुरी कलाल हाजिर हूं। जी हिंदुस्तान इस वक्त बंगाल में है और वहां से हम आपके लिए ला रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स की आंखों देखी तस्वीरें। बंगाल में शहरों से लेकर दूर गांव तक हर जगह जी हिंदुस्तान की टीम ने हर एक पल का जायजा लिया है। आज आप देखेंगे बंगाल में गली गली भगवा लहर और राम मंदिर से चुनाव प्रचार। वहीं भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठी कैसे बन गए मेहमान। हमारे तमाम सहयोगियों ने आज दिन भर बंगाल में हो रही हर घटना को कैमरे में कैद किया है। बंगाल जो किसी ने नहीं देखा वो जी हिंदुस्तान आपको दिखाएगा। मौसम चुनावी है और चुनावी मौसम में लोग अलग अलग तरह से आपको बंगाल दिखा रहे हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको ऐसा बंगाल जो किसी ने नहीं देखा। और प्रधानमंत्री मोदी रैली करने आए और साथ ही साथ पहुंचे ढेर सारे समर्थक। और आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मुझे क्या नजर आया? मुझे नजर आया राम मंदिर। जी हां, कार्यकर्ता राम मंदिर का मॉडल लेकर पूरी की पूरी रैली में घूमते नजर आए। कांथी शहर की सड़कों पर राम मंदिर का मॉडल पीछे पीछे और आगे आगे डीजे का साउंड, जय श्री राम के नारे और गानों में थिरकते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये कौन सा गाना बज रहा है? यानी जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में एक बड़ा नारा बन गया है। और यहाँ जय श्री राम का मंदिर का मॉडल लोग अपनी रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकर आ रहे हैं। तो ये बेहद ही दिलचस्प नजारा था जो कि इस रैली में देखने को मिला। आप भी इन तस्वीरों को देखिए और आप जानेंगे कैसे इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम का नारा और राम मंदिर बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। मैं बंगाल में हूँ और बंगाल में आज आपको मुलाकात कराता हूँ। यहाँ की खास पहचान या क्या है कि बंगाल ट्राम से ही सफर करते हो? ट्राम से भी करते हैं, बस से भी करते हैं। मजा किस में आता है? ट्राम में ज्यादा मजा आता है, इसमें आराम पर इसमें आराम मिलता है, बैठने आराम मिलता है। लेकिन स्पीड तो बहुत कम है ट्राम की। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन इसी में इसी सड़क पे बस भी दौड़ रही है, कार भी दौड़ रही है, ट्राम भी दौड़ रही है। वो तो अच्छा ही है ना, ये लाइन में चलता है ना ट्राम में। किराया कितना दादा? भाड़ा 6 रुपया। 6 रुपये? हाँ, स्टाफ है, AWDC का स्टाफ। अच्छा, ओके। 6 रुपये में कहाँ से कहाँ तक सफर कर लेते हैं? 6 रुपया तो मिनिमम फेयर होता है और उससे आगे रीजनेबली प्राइस फेयर भी बहुत कम है। अच्छा, पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री और सबसे बड़ी बात ये बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए सेफ टू राइड एंड सेफ टू गेट ऑफ होता है ये। और इसमें बने अब कोलकाता में आपको मिलेगा यही एक जगह है जहाँ पे ट्राम का ट्रैक थोड़ा अलग नहीं है, एक मैंने एक साथ में ही है। अच्छा, अगर आप टूवर्ड्स खिदिरपुर जाओगे तो ट्राम का ट्रैक अलग है, उधर ऊपर से ट्राम चलता है तो वहाँ स्पीड बहुत ज्यादा है। अच्छा, इट इज वेरी फ्रेंडली एंड इट्स अ हेरिटेज ऑफ आवर कोलकाता। प्राउड ऑफ हेरिटेज है और जितने भी लोग आते हैं ना, सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से तो यहाँ पर जरूर आते हैं क्योंकि एशिया की सबसे पुरानी ट्राम सेवा है। अच्छा दादा, जरा जब बंगाल का चुनाव है तो जरा चुनाव का भी बात कर लीजिए। बहुत तेज रफ्तार, भले ट्राम की रफ्तार थोड़ी कम हो लेकिन चुनाव में प्रचार की रफ्तार बहुत तेज है। क्या इस बार लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। कुछ बड़ा फेरबदल होगा क्या बंगाल में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं दीदी रहेगा। बीजेपी बोल रही, पीएम बोल रहा है कि 50-55 साल में बंगाल में क्या डेवलपमेंट हुआ, वो तो बिल्कुल डाउन चला गया। नहीं, बहुत अच्छा किया दीदी, बहुत अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा बना भी रहा, कर भी रहा, बहुत अच्छा दीदी किया। बहुत टॉप का दीदी है। बंगाल में इस बार कोई बदलाव नहीं है? नहीं बदलाव नहीं, ममता दीदी आएगा, ममता दीदी वापस। एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग बंगाल का जो नब्ज है पब्लिक का वो आइदर TMC होगा या फिर अलायंस का होगा। अच्छा, बीजेपी अगर होगा भी लेकिन इसमें कुछ खास पकड़ यहाँ के लोगों के ऊपर नहीं बना पाएंगे। अच्छा, अलायंस मतलब किसका? लेफ्ट और कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस या फिर दूसरा। लेकिन बीजेपी का यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना बहुत नामुमकिन है, बहुत नामुमकिन है। तो अब ये बताओ कि सुबह के समय ज्यादा पैसेंजर मिलता है कि शाम के समय? शाम के समय पसीजर ज्यादा मिलता है। पहले क्या था? हाँ, कि पहले ट्राम ही एक ऐसा सेवा था जो 4:30 बजे 4 बजे भोर से चालू होता था।
ज्यादातर ट्राम का संख्या ज्यादा था हाँ। तो पैसेंजर मॉर्निंग से इवनिंग तक हर समय पैक ही रहता था, हर समय बराबर मिलता रहा। अभी क्या है, ट्राम का सेवा धीरे धीरे इतना कम गया है और बीच में ट्रैक हो जाने के चलते सही ढंग से सर्विस नहीं दे पाता है। आदमी को इतना फास्ट समय हो गया है कि बहुत स्पीड में जाना चाहता है, ट्रैफिक जाम अलग और ट्रैफिक जाम अलग, इसीलिए इसका सेवा सही ढंग से नहीं हो पाता है और पैसेंजर कम जाता है। तो अभी कितना ट्राम टोटल होगा अभी जो चल रहा है? अभी 100 से भी कम है ट्राम। तो आप लोग भी डेली ट्राम नहीं करते? जब मिल जाता तो बैठ जाते, नहीं मिलता तो नहीं बैठते, ऑटो में बैठते हैं। ये आपको लगता है ये कन्वीनियंट है वाला? हाँ, आरामदेह है। हाँ, ये ज्यादा आराम है। समय ज्यादा नहीं लग जाता? नहीं, ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक ही है, मतलब बस ऑटो से बेहतर आपके लिए ट्राम? हाँ, मेरा बच्चा लोग को पसंद है ज्यादा। पसंद है, मजा आता है ट्राम में? हाँ, ट्राम में मजा आता है। क्या मजा आता है ट्राम में? बहुत, वो पटरी पे दौड़ती है इसलिए। बच्चों को बस और ट्रेन दोनों का मजा आता है। सड़क पर दौड़ती जरूर है लेकिन पटरियों पर दौड़ती है। ये माहौल है भारतीय जनता पार्टी के रैली के कार्यकर्ताओं का और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने अपने पूरे शरीर को बीजेपी के रंग में रंग लिया। दादा, क्या नाम है आपका? हाँ सर, नाम दुशासन दास। दुशासन दास, बड़ा खतरनाक नाम है आपका। तो क्या बोलूं, मेरा दादाजी ने दिया, दादाजी ने दुशासन दिया, लेकिन आपका दिल एकदम कृष्ण की तरह है। होते बार। अच्छा, ये बताइए, पूरा पेंट किया आपने, क्यों इतना पसंद है बीजेपी आपको? हाँ, बीजेपी पसंद है और मोदी जी को भी बहुत पसंद है। मोदी जी का पिज्जा देखा? देखा तो ये मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये दुशासन बाबू है जिन्होंने पूरे पेंट यहाँ पर करवाया है शरीर का। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है बीजेपी में। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की पूरी तस्वीर इन्होंने अपनी कमर पर उतारी है और अगर सीधा खड़ा करेंगे इन्हें आप तो यहाँ इनके दिल पर ये कमल फूल बना हुआ है बीजेपी और जय श्री राम का नारा भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यानी इन्हें बीजेपी इतना पसंद है, काम करेगी आपकी पार्टी? हाँ सर, नाम करेगी है? नाम करेगा, करेगी पार्टी काम कुछ? सोनार बांग्ला गढ़ेगा, बांग्ला सोनार बांग्ला गढ़ेगा, सोनार बांग्ला गढ़ेगा और दुर्नीति मुक्त प्रशासन ग्राम करेगा। यहाँ बीजेपी 100% जीतेगा, 25,000 से ऊपर लीड लेके जीतेगा। अच्छा, दक्षिण कथी विधानसभा में इधर से हमारा जो चुनाव का जो जिसने जिसको पार्टी ने यहाँ उतारा है माननीय अरुण कुमार दास महाशय, उन्होंने यहाँ 25,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ जीतेगा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी पार्टी को इतना सब प्यार करते हैं, उन्होंने तो पूरा बीजेपी का झंडा बन गए हैं, जीतने के बाद कुछ करेंगे ये लोग? इन्होंने सिर्फ अपने तस्वीर दिखाया लेकिन हम लोग के सभी के अंदर दिल में मोदी जी बसा हुआ है और इसी के साथ हम लोग चाहते हैं कि जो गुजरात का जो मॉडल है वो मॉडल बंगाल में भी आए। पिछले 50 सालों में कुछ हुआ है? नहीं, यहाँ जो कुछ हुआ है उन्नयन के नाम पर दुशासन हुआ है और शासन के नाम पर लूट हुआ है। सब युवा मोर्चा, जिधर युवा मोर्चा है वो जरूर आएगा। हमारा मोदी जी का पार्टी आ रहा है और माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी अमित शाह इस तरह जो दिया पहले बोला विकास होगा, मतलब चलिए ठीक है। तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसे कि दुशासन बाबू जो कि पूरे बीजेपी के झंडे में इस वक्त बदल गए हैं, आप ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी को सब कुछ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद उनका भला होगा। पूर्व आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर हुमायूं कबीर जी जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं डेबरा से, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। अगर जीत मिलती है तो डेबरा में सबसे पहला फैसला क्या लेंगे? बहुत सारे डेवलपमेंट का काम बाकी है, जैसे कि टाबागढ़िया जो है, टाबागढ़िया में जो ब्रिज है वो ब्रिज बनाना है और बाली चौक और डेबरा को म्यूनिसिपलिटी बनाना है और माली घाटी जो ये दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके साथ पूरा आरंभक का जो रोड है कनेक्टिंग रोड कटाल दासपुर और इसको कनेक्शन करना है। इस सीट से टीएमसी को प्रत्याशी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? किसमें? इस सीट में? हाँ जी, ये डेबरी में। ये तो मैं बता नहीं सकता, ये हायर कमांड का जो ये है, जैसे उन लोगों को सोच है कि हो सकता है कि मुझे देने से, क्योंकि मैं यहाँ का भूमि पुत्र हूँ, मेरा घर डेबरा में है, माड़तला बोल के जगह है, वहाँ 3 नंबर अंचल में मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, हम लोग का घर है अपना और मैं हर महीना कहीं भी पोस्टिंग था, जैसे कि मैं अभी लास्ट में चंद्रनगर में पुलिस कमिश्नर थे तो मैं वहाँ पर हर महीना एक बार कम से कम मैं मेरे पिता माता से मिलने के लिए आता था
और क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में कड़ी टक्कर दे रही है? आपके ऑपोजिट भी एक एक्स आईपीएस ऑफिसर है, भारती घोष जी। नहीं देखिए, उनका वो हम लोग का पोस्टिंग ऐसे कि होम पोस्टिंग होता नहीं, मेरा कभी पोस्टिंग नहीं था, लेकिन उनका ही यहाँ पोस्टिंग था, वो एसपी थी। और आम आदमी को पूछ लीजिए उनके हरकत के बारे में, सारे के सब जितने आदमी हैं यहाँ एकदम इवन द कॉमन पीपल नो अबाउट हर, तो उनका जो कर्म है वो काफ़ी उनके ऊपर भारी पड़ेगा रोल में। तो आपको क्या क्या लग रहा है, क्या क्या उम्मीद है 2 मई को जब नतीजा आएगा तो क्या नतीजा? इसमें कोई मुझे शक नहीं है, जैसे कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट फिर से हैट्रिक करके तीसरी बार आ रही है पावर पे, मैं भी जीतूंगा, इसमें इसके बारे में कोई शक नहीं है, दैट इज कन्फर्म। अब मार्जिन कितना होता है और ममता बनर्जी को कितना सीट मिलता है टीएमसी को, वो क्वेश्चन है कि उसमें उस पर हम लोग गौर कर रहे हैं कि पिछली बार 2016 में 211 सीट था, उसको हम लोग एक्सीट कर पाते हैं कि नहीं, ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पर्सनली तो मैं जीतूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर हुमायूं कबीर जी, जो कि पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार जीत उन्हें जरूर मिलेगी। बाकी नतीजों का इंतजार करना होगा, 2 मई को नतीजे सबके सामने होंगे। इस जी हिंदुस्तान की टीम पहुंच चुकी है स्वरूप नगर। दरअसल पश्चिम बंगाल का ये स्वरूप नगर विधानसभा वो इलाका है जो बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब है। तितुलिया मोहल्ला में हूँ और ये कॉलोनी ऐसी कहलाती है कि यहाँ पे शरणार्थियों का निवास है। शरणार्थी जितने हैं हिंदू शरणार्थी वो यहाँ रहते हैं। इस सड़क पर ही आगे जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू शरणार्थी दिखेंगे। अब ये जो घर है आप देख रहे हैं, घरों को आप देख रहे हैं, ये दरअसल अल्पसंख्यकों का घर है और ये कहा जाता है कि बांग्लादेश से ही घुसपैठ करके आए थे, जो 10-12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अब इनके पास वोट का अधिकार तो है, दस्तावेज के तौर पर इनके पास वोटिंग करने की अथॉरिटी तो है, लेकिन इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। इनका यहाँ पे निवास स्थल है और ये समस्या जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं, और ये मुद्दा ही इस बार तो चुनाव में सबसे अहम है। ये दादा एक बार ये बताइए, ये जो है ये सारा अल्पसंख्यक कॉलोनी ही तो है? यहाँ जो रह रहे है ये सब मुस्लिम बिल्ड है। अच्छा, थोड़ा आगे जाइए तो इधर सब हिंदू रहता है। यहाँ किस किस मुस्लिम वहाँ से आया है, यहाँ रह रहे हैं। ये बांग्लादेश से क्या है? बांग्लादेश से आया है बहुत दिन। इनके पास पेपर ऊपर है, इनको भी ना पेपर है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, और आधार कार्ड पैन कार्ड है। लेकिन इनका घुसपैठ हुआ ना फिर? हाँ घुसपैठ तो है, सीए का ये विरोध करेंगे। हाँ विरोध तो यही करेंगे। अच्छा, तो ये इधर जो हिंदू आबादी रहती है वो भी बांग्लादेश से आई है? शरणार्थी कॉलोनी पर है, जब बांग्लादेश से आया है ये सब शरणार्थी है। तो लेकिन यहाँ बोलते हैं लोग कि बाहर से बांग्लादेश से लोग घुसपैठ करके आ जाते हैं। वो तो नकली है, लेकिन तो इधर तो नहीं है, कभी कभी है बांग्लादेश में, लेकिन वो आता है भाई, इधर भी रहता है। तो आपके पास भारत का नागरिकता का सब पेपर है? हाँ सब कुछ है। क्या क्या है आपके पास? हाँ मेरा जमीन का दलील है, आधार कार्ड, वोट, हाँ सब कुछ है। हाँ आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये अपना वोटर कार्ड है। अच्छा, तो ये पासपोर्ट वगैरह बनवा सकते हैं आप? नहीं नहीं, मेरे को पासपोर्ट नहीं। नहीं बनवाना नहीं है, लेकिन बनवा सकते हैं, उतना सब कुछ है। हाँ बोलेगा तो करेगा ना। अच्छा, हाँ पासपोर्ट क्या करेगा? नहीं आजकल लोग कह रहे हैं ना घुसपैठ बहुत हो रही है, तो घुसपैठ होती दिक्कत है क्या घुसपैठ की? हाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तो मेरे को तो पासपोर्ट में कोई जरूरत नहीं है ना, इसलिए तो मैं गरीब आदमी है, क्या करेगा पासपोर्ट लेके। अच्छा, इसलिए तो मैं बैठ गया ना, इधर उधर काम करता है लेकिन खाता है और क्या। अच्छा, क्या ये माटी के घर में ही रहते हैं ना? हाँ। ये अब अपना घर हो गया आपका? हाँ, अपना का घर हमारा। कब खरीदा जमीन आपने यहाँ पे? का जमीन कब खरीदा? है सरकारी का जमीन है, सरकार का जमीन? सरकार का जमीन। अच्छा, सरकार ने दिया है? हाँ। अच्छा, इनको सरकार ने, ममता दीदी ने दिया? हाँ, ममता दीदी ने इनको जमीन रहने के लिए दिया, इन्होंने खरीदा नहीं है। और दूसरी चीज, इनको पासपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि अल्पसंख्यक कॉलोनी में मैं आपको बता रहा था कि इनके पास देखिए वोटिंग का राइट आ चुका है, इनके पास आधार है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन पासपोर्ट के बारे में इनके ऊपर ये खुलकर बात नहीं कर रहे, और यही परेशानी है। ये बांग्लादेश से आए हैं, 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले कहाँ थे तो बता दिया इन्होंने, कहीं और रहते थे।